बहनों के लिए जो काले लिबास में बेचारी पूरा दिन चिलचिलाती धूप में 50 डिग्री तापमान होता है, लेकिन वो पूरा काले लबादे में बंद रहती है, उनके लिए ऑफर है। हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। पीर फकीर हो सकता है साईं बाबा, कोई भगवान थोड़ी है, सच कहा है उन्होंने। बिहार में दंगा हो रहा है, नीतीश बाबू खजूर खा रहे हैं। अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्राची एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज से दिए हुए बयान को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल गुरुवार को बरेली के सर्किट हाउस में पहुंची विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने कई मुद्दों पर बयान देकर हलचल मचा दिया। साध्वी प्राची ने कहा कि जो बहन बेटियां तपती दोपहरी के 50 डिग्री तापमान में काले लिबास में वक्त काटती हैं, उनके लिए खुला ऑफर है। वो बेटियां हिंदू लड़कों से शादी करें तो कई फायदे होंगे, वो खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे, उन्हें न काले लिबास में रहना होगा और न ही 3 तलाक और हलाला झेलना पड़ेगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा साईं बाबा पर दिए गए बयान पर भी साध्वी प्राची ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि साईं बाबा फिर फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं को लेकर बिल्कुल सही बयान दिया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के घर वापसी के बयान पर भी साध्वी ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वालों का DNA टेस्ट करवा लिया जाए तो सबके पूर्वज भगवान राम कृष्ण और बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे। अब तो एक बाल से ही DNA जांच हो जाती है। साथ ही उन्होंने बिहार में हिंसा को लेकर भी बयान दिया और क्या कुछ कहा साध्वी प्राची ने आप भी सुनिए। और वो इसलिए चलाया था, कुछ लोग डर की वजह से, कुछ लोगों ने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनकी घर वापसी कराने का प्रोग्राम कराया। लेकिन अब घर वापसी एक बड़े व्यापक रूप से हो रही है, जिनको घर वापसी करनी है तो करिए। बल्कि एक और बरेली की मीडिया के माध्यम से मैं उन बहनों के लिए जो काले लिबास में बेचारी पूरा दिन चिलचिलाती धूप में 50 डिग्री तापमान होता है, लेकिन वो पूरा काले लबादे में बंद रहती है, उनके लिए ऑफर है। हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। पहली सुविधा कि उनको बुरके में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी सुविधा, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास आती है ना बहने, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। और तीसरी सुविधा, किसी ममेरे चचेरे फुपेरे से उनका कोई इस तरह का शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यह 7 जन्मों का बंधन होता है। हालांकि मोदी जी ने तलाक पर प्रतिबंध लगवाया है भाई, कानून बनवाया मोदी जी ने, तो धन्यवाद के पात्र है मोदी जी। और सही पूछे, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से शादी करे तो वास्तव में उनकी जिंदगी बहुत स्वर्ग जैसी जिंदगी हो जाएगी। और जो लड़कियां आ रही है उनको मैं ये बता रही हूँ, उनकी जिंदगी जो नरक की जिंदगी है, कितना आज के इस आधुनिक युग में, पढ़े लिखे युग में, उन बेचारी लड़कियों की मैं जब देखती हूँ दुर्दशा, बड़ा दुख होता है। तो इसीलिए उनको हिंदू लड़कों से शादी कर लेनी चाहिए, उनकी जिंदगी स्वर्ग की जिंदगी होना चाहिए। अच्छा दीदी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आया, उन्होंने साईं बाबा के लिए भी कहा है कि वो भगवान नहीं है, इस पर क्या कहें? तो उन्होंने कोई गलत थोड़ी कहा है भाई, पीर फकीर हो सकता है साईं बाबा, कोई भगवान थोड़ी है, सच कहा है उन्होंने, गलत नहीं कहा है। जो चांद मियां थे वो भगवान कैसे हो सकते हैं? बाबा फकीर हो सकते हैं। तो आप ही समर्थन करते हैं? हाँ महाराज जी, कोई गलत बात नहीं कह रहे, ठीक कह रहे हैं। कहीं भी किसी तरीके का दंगा फसाद ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाए, क्योंकि रामनवमी पर जिस तरीके से बवाल हुआ है बिहार में और पश्चिम बंगाल में। देखिए, बिहार के अंदर जो दंगा हुआ है उसको, और बंगाल के अंदर, दोनों जगह जो दंगा हुआ है
उसको देख करके तो मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है। वहाँ के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है बंगाल के लिए, और बिहार में दंगा हो रहा है, नीतीश बाबू खजूर खा रहे हैं, रोजा इफ्तारी कर रहे हैं, उनको दंगे में कौन मर रहा है, कौन घायल हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। इन दोनों प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। किस तरीके से वहाँ की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का बयान आता है कि किसी भी मुस्लिम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके घर पथराव नहीं होना चाहिए, तमाम चीज़ें इस तरीके। भाई आज तक पथराव किस मुस्लिम के घर पे हुआ? ममता बनर्जी जरा मुझे ये बता दे। पथराव होता है तो हिंदुओं पर होता है, पथराव होता है तो सैनिकों पर होता है। ममता बनर्जी ब्रह्म में जी रही है, ये मुस्लिम तुष्टिकरण की अति हो गई है, इतना नहीं होना चाहिए। और ममता बनर्जी उनको बढ़ावा दे रही है, इसीलिए ये दंगे हो रहे बंगाल के अंदर। लेकिन सुरक्षित कभी वहाँ की स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि एक टाइम में ममता बनर्जी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। दीदी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया, उन्होंने कहा बहुत जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबकी घर वापसी होगी, सभी लोग राम राम कहेंगे। हाँ तो ये तो अच्छा है। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है, था और रहेगा, तो सबके पूर्वज राम है। देखिए DNA करा लीजिए, सबके पूर्वज राम और कृष्ण और बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे, किसी के हनुमान जी मिलेंगे, तो इसीलिए अब तो DNA की जरूरत नहीं, एक बाल से ही पता चल जाता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।